सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस चैनल पे पहली वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो क्यों होने वाली है भाई? बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी थी, बट वो सारी की सारी वीडियोस अभी डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी आपने वीडियोस अभी देखी थी चैनल्स पे, लाइक माय ट्रेडिंग जर्नी और बहुत सारी थी, लगभग 200-250 वीडियोस से भी ज़्यादा थी, तो वो सभी की सभी वीडियोस अभी चैनल पे डिलीट हो चुकी हैं। और इसका रीज़न है कि जो अपना स्टॉक ट्रेडर चैनल है, जिस चैनल पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये हैक हो गया था ट्रेडर्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैकर्स थे उन्होंने वही सेम सिनेरियो, उनका बिटकॉइन सेलिंग वगैरह का वो ट्राई कर रहे थे। जितने भी मेरे फॉलोअर्स थे, इंस्टाग्राम आईडी हैक हुई पहले मेरी, पहले पूरा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कि हुआ क्या था। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले जो मेरी पर्सनल आईडी है, जो आप लोग जानते हो, अतुल पटेल, मी अतुल पटेल के नाम से है जो, तो सबसे पहले उसकी एक फेक आईडी बनाई गई। ठीक है, उसकी एक फेक आईडी बनाई और यूजर नेम थोड़ा सा चेंज करके जो मेरे फॉलोअर्स थे, जो मेरे फॉलोइंग्स में थे, यानी कि मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह, इवन आप लोग में से भी जो सब्सक्राइबर्स थे, तो उनको मैसेज किया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम आप 25,000 लगाइए, हम आपको 50,000 देंगे वापस। तो काफी लोगों का मेरे पास कॉल आने लगा कि अतुल तुम्हारे नाम से मैसेज आ रहा है, क्या ये तुम कर रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं यार, मैं ऐसा कभी क्यों करूंगा, मैं सामने से कभी किसी को मैसेज करूंगा ही नहीं कि आप मुझे पैसे दो या फिर मैं आपका पैसा डबल करके दूंगा, ये सब चीजें मैं कभी नहीं करूंगा। तो फिर मैंने सर्च किया तो देखा फेक आईडी बनी हुई थी, तो फिर मैंने उसको रिपोर्ट करवाया इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो वहां पे वो सिनेरियो क्लोज हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो मेरी पर्सनल आईडी थी वो भी हैक हो गई, यानी कि मेरी जो ओरिजिनल आईडी थी वही हैक हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो मैसेजेस गए तो लोगों को लगने लगा यार ये तो अब पर्सनल आईडी से कर रहा है, तो काफी लोग बात भी कर रहे थे कि भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा, सच में कुछ लोग देने के लिए रेडी भी हो गए थे पैसे, लेकिन फिर मैंने जैसे ही चेक किया तो उसको तुरंत रिपोर्ट कराया, साइबर क्राइम में डाला और पूरा पासवर्ड वासवर्ड मैंने सब कुछ रीसेट किया ओटीपी वगैरह से, फिर सब कुछ चेंज किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर तक मैंने, ईमेल सब कुछ चेंज किया, उसके बाद वो आईडी सिक्योर हुई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब हो गया इंस्टाग्राम का, मुझे लगा कि ठीक है अभी इंस्टा के साथ इश्यू था तो आगे ऐसा कुछ नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने अभी बाकी चीजें क्लियर कर दी हैं। लेकिन शाम को क्या हुआ कि यूट्यूब से सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो गई ट्रेडर्स, यानी कि जो भी वीडियोस अभी तक मैंने यूट्यूब पे बनाई हुई थी सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। अब ये आप चैनल पे जाके देखोगे तो यही वीडियोस आपको दिखेगी, बाकी कोई भी वीडियो नहीं बची है। जो हैकर्स थे उन्होंने चैनल को हैक करके वो अपना कंटेंट कुछ अपलोड कर रहे थे ऑलमोस्ट, लेकिन हुआ क्या कि जब वो कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डिलीट कर रहे थे, धीरे धीरे एक एक चीज मिटा रहे थे जब, तो उस टाइम पे मैंने देखा चैनल पे, मैं एज यूजुअल कमेंट्स का रिप्लाई देने जाता हूँ, तो वहां पे मैंने देखा कि मेरी वीडियोस ही नहीं दिख रही हैं। तो मैंने तुरंत यहाँ पे यूट्यूब इंडिया को मेल लिखा, फिर मैंने चेक किया तो मैंने देखा वीडियोस नहीं दिख रही हैं। तो फिर मैंने उसके साथ भी वही किया कि मैंने तुरंत पासवर्ड रीसेट किया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेंज करके सिक्योर किया और यूट्यूब इंडिया को मेल भी लिखा, साइबर क्राइम पे फिर मैंने रिपोर्ट भी डाली, तो उसके बाद चैनल अभी सेफ है। लेकिन यूट्यूब का ये कहना है कि जो वीडियोज आपकी डिलीट हो चुकी हैं वो अभी आपको नहीं दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो तो यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो नहीं दिख रही होगी। ठीक है, कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि सारी की सारी वीडियोस यहाँ से गायब हो चुकी हैं, जो मैंने लाइव लिया था, जो प्लेलिस्ट में थी, सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट बाकी है, बाकी अबाउट है, कम्युनिटी पोस्ट है, बाकी सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम मेरी इतनी किस्मत तो अच्छी थी कि चैनल बच गया एटलीस्ट, क्योंकि वीडियो सारी की सारी डिलीट हुई तो वो हम फिर से बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर चैनल ही डिलीट हो जाता 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला, जो मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी 2 साल की मेहनत किसी के लिए 1 मिनट में मेरा पूरा साफ हो जाता, बट वीडियोस तो चली गई लेकिन मेरे पास चैनल है अभी। तो मैं बहुत अजीब भी लगा यार थोड़ा सा कि मतलब पूरा चैनल की वीडियोस इतनी मेहनत की थी, तो मैंने एमपीपीएससी की वगैरह प्रिपरेशन छोड़ के ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है, ट्रेडिंग के साथ साथ फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं दिन रात इस पे वीडियोस बनाता था भाई, मैं सीखता था खुद से कि कैसे वीडियोस को रिकॉर्ड करना होता है, कैसे इनको एडिट करना होता है, थंबनेल क्या बनाना, टैग, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज मतलब मैंने खुद से यूट्यूब पे जा जाके देख के सीख के की है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसा करते हैं या फिर ऐसा करना है, तो मैंने खुद से अपना सब कुछ सीख के किया है। लेकिन होता और ये भी था कि मैं पहले डेली एनालिसिस वाली वीडियोस डालता था, तो पहले ऐसा था कि मैं कितना भी बिजी रहूं, कुछ भी काम करूं, कुछ भी रहे काम, लेकिन मेरा ये सिनेरियो था कि मैं डेली यूट्यूब पे एक वीडियो जरूर डालता था। मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो डाली थी, स्ट्रेटजीज डाली थी, बहुत सारी चीजें, लर्निंग कंटेंट इतनी मेहनत से जो बना था, जो आज से 3 साल बाद भी लोगों को देखते तो बहुत पसंद आता, जो रिसेंट डेज में मैं डाल रहा था, लेकिन वो अभी सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो चुका है, वो अभी रिकवर भी नहीं हो सकता है, यूट्यूब ने ऐसा बोल दिया है।
लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है कि आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स वो आपके पास है, वो आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है, ना ही वो कोई डिलीट कर सकता है। तो अगर इतना सब कुछ डिलीट हो गया वीडियोस, तो मेरे अंदर वो नॉलेज इवन वो और बढ़ रहा है जितना मैं डेली नॉलेज गेन कर रहा हूँ, मेरी स्किल्स डेली डेवलप हो रही हैं। तो मैं उन स्किल्स, उस नॉलेज के साथ फिर से आप लोग के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। और जैसा आप लोग ने सपोर्ट्स मुझे पास 2 साल में आप दे रहे हैं, आई होप आप लोग अभी ये सेम सपोर्ट बनाए रखेंगे। और अभी सिनेरियो थोड़ा सा डाउन है, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में ऐसा, ट्रेडिंग का तो ऐसा है कि ये जो स्किल्स और नॉलेज है ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। आप मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन जो नॉलेज और स्किल्स मैंने डेवलप की हैं वो तो कोई मुझसे नहीं ले सकता। अगर मैं इतना आगे आ सकता हूँ अपनी दम पे खुद से सीख के, तो यहाँ से भी आगे जा सकता हूँ। इस चैनल को मैं 1 मिलियन भी ले जा सकता हूँ। ऑफकोर्स इतना मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ, और इतना मैं आप लोग के ऊपर भी भरोसा करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा। तो बस इस वीडियो में यही मुझे आप लोग से बात करनी थी कि कंटेंट फिर से मैं लाऊंगा, लर्निंग कंटेंट के साथ मेरी ज्यादा शुरुआत है। भले ही व्यूज आए ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे अब इसलिए नहीं करना है ना यूट्यूब की मुझे इनकम हो रही है, वो इनकम वगैरह सब साइड की चीजें हैं। मेन ये है कि अब मेरा ये पैशन है, बिना यूट्यूब पे वीडियोस बनाए अब हम रह नहीं सकते हैं भाई, जैसे ट्रेडिंग करने के बिना नहीं रह सकते। वो मेरा कैरियर है, वो मेरा काम है। तो मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेडिंग नहीं की है, मैंने आज, अब उसी फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं बताता, आज का मैं ट्रेड कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं ट्रेड अपने कंप्लीट करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे साथ कल ये सिनेरियो हुआ है, कल ये सीन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया भाई और मैं भाग गया कहीं। मैंने आज ट्रेडिंग की, ठीक ठाक एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक किया, और अभी वीडियोज मैंने फिर से रिकॉर्ड करना चालू कर दिया है। तो इस वीडियो में इतने ट्रेडर्स, और लर्निंग कंटेंट अगर आप लोग के पास कोई यहाँ पे सजेशन हो, कोई वैल्यूबल, अगर आप फीडबैक आप देना चाहो कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाओ, या फिर आप इस पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियोस बनाओ, तो डू कमेंट बिलो। मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे जरूर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अब ऐसा है कि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है यूट्यूब पे। फ्रेश स्टार्ट से मेरा मतलब कि अब मैं जो फर्स्ट वीडियो ये हो गई, इसके बाद जो सेकेंड वीडियो है, तो मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी बेसिक, जो सिर्फ इतना जानता है कि यार ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है, स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज होती है, तो वो भी यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाए, कुछ ना कुछ अर्न करके जाए। ठीक है, नॉलेज अर्न करके जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद ट्रेडर्स, और सपोर्ट बनाई रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।